अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी एयरगन्स की जानब से एक नई और मालूमती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह। और आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आप दोस्तों की नेक आरा का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज मेरे पास जो दो गन्स आई हुई हैं, बल्कि आई हुई तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो जो आपके सामने रखी हुई हैं, इन दो गन्स में पहली गन है, ये भेजी है जनाब हमारे एडमन शिकारी ग्रुप के मोहतरम मोहम्मद रिजवान भाई, तो बहुत मुखलिस और अच्छे दोस्त हैं, उनकी बहुत नवाजशात हैं, मेरे चैनल पे उनके बड़े एहसानात हैं, उन्होंने सब्सक्राइब कराने में मेरे चैनल को बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है, उनकी मेहरबानियाँ हैं और उनकी हिदायात हैं, मेहरबानी के साथ हिदायात हैं कि ये मैं जो गन भेज रहा हूँ ये निराले अंदाज से ठीक करनी है। उनकी हिदायत नहीं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ उन्हें फरमाई है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ठीक करूँगा इसको और आपको दिखाऊँगा। ये खोलते हैं और देखते हैं कौन सी गन भेजी है भाई ने। ये M&P कोरियर के थ्रू आई है। M&P दोस्त देखो परेशान होते हैं, कहते हैं कोई कोरियर वाले ले नहीं रहे, आपके सामने ये सबूत है कि ये है M&P कोरियर की तरफ से आई है और ये मेरे पास पहुंच गई है खैरियत के साथ। यस, स्कोप भी है साथ, इसका स्प्रिंग भी है जो कि दो नंबर है, देख रहे हैं बेटा। उधर से निकाल लेना, इधर से निकलेगी बेटा, बैग से ये। हाँ ये आराम से, ये बहुत है, ये बहुत खूब काम किया है, गुड हो गया, देख लिया इस तक ना तो गर्दा ना मट्टी। गुड हो गया, ये हो गई डियाना 35 मॉडल ओल्ड। यस, तो इसको रहने देते हैं, पहले उसको खोल लेते हैं या इसको रहने दें, ये बाद में खोल देंगे। ये सिंध से आया है पार्सल, ये खोलते हैं। ये भी गन है शेडो 2000 है गलवन, देख लिया ये खोल कर किस तरह उन्हें पैक किया पता नहीं चल रहा है कि चीज़ क्या है, पूरी गन आ गई है इसमें, तो इसको रख दो बेटा फिलहाल और मुझे टूल दें ज़रा, इसको खोलते हैं और देखते हैं, पहले इसको काक करके देखते हैं कि इसकी स्प्रिंग ठीक कंडीशन में है फिलहाल। ठीक है, ठीक है, और इसके ये पहला टेस्ट जो इसका किस चीज़ का टेस्ट था, इस सील का, ये टेस्ट क्लियर हुआ है, ये सील ठीक काम कर रही है। अब देखते हैं इसका दूसरा टेस्ट, इसकी मेन सील का, इसमें पहले देखना चाहिए कि पैलेट ना हो, फिर इसको बंद कर दें और अभी देखें। देख लें बेटा, इसकी सील भी ठीक नज़र आ रही है वक्ती तौर पे, अभी खोल कर देखें दोगे तो फिर मज़ीद पता चलेगा कि उस पर मज़ीद खराशें ना हों। इसके दोनों साइडों वाले जो स्क्रू हैं, इसका ट्रिगर ग्रुप गड़बड़ कर रहा है थोड़ी बहुत, ये देखें, ये कभी कभी चल जाता है, कभी कभी रुक जाता है, तो इसकी गोलियों का मसला आ रहा है, इसके अंदर जो तीन गोलियां होती हैं उनका मसला थोड़ा बहुत आ रहा है इस पर। गलबन इसके बट की रिपेयरिंग में जुल्म करते रहे हैं, देख रहे हैं आप बेटा, ये
ये देखें, ये ग्राइंडर लगा हुआ है इस पर, ये चीज़ ये ग्राइंड किया गया है। चिक्स इसके जितने भी हैं देखा है, ख़त्म किए हैं। और यहाँ देखें ग्राइंडर के वो कट नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानियों के हाथ हुए हाथों से काम हुआ हुआ है ना। तो ये जुल्म ये हम करते हैं इस तरह, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये स्क्रू भी, ये भी जो जो चीज़ें हैं फौरी तौर पर देखते हैं इसकी। ये ख़त्म कर देंगे, ये कभी नहीं लगाना है दोबारा। इंशाल्लाह इसकी फिटिंग ज़बरदस्त करूँगा मैं। और बेटा वो पार्ट देना जिसमें ये रखने हैं इसके, ये नहीं लगाऊंगा दोबारा मैं, ये देसी लगा हुआ है। और ये वाला भी, चलो अब तो मेरे हाथ आ गई है। इंशाल्लाह हर एक चीज़ इसकी जेन्युइन करूँगा। यार स्क्रू किसी काम के नहीं, नहीं इसके ये स्क्रू इसी के होते हैं। ये रही भाई मोहम्मद रिजवान की गन, बट से अलग हो गई। अब उनसे पूछना पड़ेगा कि इस बट को इसी तरह रहने देना है या फिर अपनी मैंने हाथ की सफाई दिखानी है। अब उनका यह था एतराज़ कि गन की बैरल जो है ऊपर को उठी हुई है, ये बात थी। और इसकी रियर साइड भी लगानी थी। यार एक बात बताऊं आपको, ये जो 35 मॉडल है ओल्ड खसूसन, इसकी खूबसूरती यह है कि इसकी बैरल आगे को हल्की सी उठी होती है, जिस वजह से ये लॉन्ग रेंज है बाकियों की नस्बत, क्योंकि ट्रैजेक्टरी इब्तदा में ही यूं बन रही होती है। यहाँ से ऊपर नीचे नहीं जाता है छरा, पहले ऐसे जा के फिर ऐसे जाता है इसका, ये है। आपने एडजस्ट कर दिया उस ट्रैजेक्टरी पर तो लॉन्ग रेंज पर वो उसी व्यो में ये फायर करती रहती है और हमें शिकार देती रहती है। ये बेटा उसका साथ सामान रख दें, इसमें मैं उसके रख दें, रखें ना साथ चीज़ें उनकी पड़ी रहें ताकि वही साथ जा सकें। तो आते हैं अभी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ, कौन कौन सी चीज़ इसमें नहीं है। एक सेकंड, बेटा इस पे हाथ रखना ज़रा, बस ठीक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, फिट हालत में है। ये इसकी वॉशर ठीक हो गई, इधर वाली नहीं है जो बैरिंग का काम करती हैं दोनों, एक साइड वाली है दूसरी साइड वाली लेस है। मैं देखूंगा मेरे पास होगी शायद ओरिजिनल, मैं वही डाल दूंगा। देख लिया इसका भी, इसके बीच में एक और छल्ला हुआ करता था किसी दौर में, इसका नहीं है। जो ये हो गया फ्रंट साइड, फ्रंट साइड के साथ भी जुल्म किया गया है। आगे नोक इसकी देखा है, ऊपर से रगड़ दी गई है। देख लिया, अभी देखते हैं ये पिन दो नंबर।